नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सिंपल ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं आई हूँ लखनऊ में लोकबंधु हॉस्पिटल के ठीक सामने। ये रोड साइड नर्सरी है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बहुत बिल्कुल कॉमन प्लांट्स होते हैं विंटर के, वो सब आ गए हैं। गुलदावरी, विनका, उधर पिटूनिया, मैरीगोल्ड, सब चीज़ें यह हैं। और आप ये देखिए, रोजेस भी हैं, सकुलेंट्स भी हैं, सर्वे पॉट्स भी हैं, प्लास्टिक पॉट्स भी हैं, स्टैंड भी हैं, परमानेंट प्लांट्स भी हैं, नो प्लांट्स भी, सब कुछ है। रेट मुझे यहाँ के ठीक लगते हैं, मुझे सही लगता है रेट। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा और कितने का ख़रीदा। लेकिन उसके पहले एक चीज़ बताऊँ, मैंने कल पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा मेटल के इतने बड़े बड़े से, जैसे ये वाला गमला है ना, इतना बड़ा। लेकिन ये तो इस तरीके ऐसा शेप है इसका, वो गोलाई में थे मेटल के आए हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। और एक ही दुकान पे था, सिर्फ पहली दुकान में। मैंने सोचा आगे देखती हूँ, फिर मैं उसको थोड़ा सा उसको शूट कर लूँगी, आप लोगों को भी दिखा दूँगी। लेकिन बाद में वो किसी दुकान पे मिला नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल वो नया नया बिल्कुल मार्केट में आया है। और उसमें क्या था, मेटल के थे, बड़े सुंदर थे, उसमें ना इधर साइड पूरे में प्रिंटेड थे, तो लेकिन थे बहुत कॉस्टली। अभी वही है कि इतना बड़ा साइज़ का गमला 400 रुपये के थे, 400 के थे वन, मतलब एक। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया। अभी वही है कि अब थोड़ा सा जब आ जाएगा तो इतना रेट थोड़ी ना रहेगा। अब बस वही सिंगल एक दुकान में था, तो मैंने ये लिया है पिटूनिया। और आपको वही बता रही हूँ मैं कि हुआ ये है, मेरे यहाँ बस वही कोई जानवर, उसने सब मैंने अंदर रख दिया था, उसने काट पीट दिया। ये देखिए पूरा फूल खा गया, यहाँ भी सब। तो ये पिटूनिया लिया है मैंने, और ये तो डैंथस लिया है, वो अभी इसके पहले जो लिया था वो भी सब। ये देखिए यहाँ पे दो फूल लगे थे, कई फूल थे इसमें, उस रात भर में ही खा लिया। यहाँ पे है भी नहीं, गिरा भी नहीं है, थोड़ा सा वाइट और पिंक में था। ये 25 का है, ये 20 का है, ये 20, ये सब 2020 के हैं, ये दोनों 2020 का है, ठीक है। ये देखिए ये वर्बीना, ये वर्बीना है। तो आपको मैं कुछ टिप्स भी दे दूंगी। ये देखिए जैसे अब ये फूल खिल रहा है ना, तो आप इसको हटा दीजिए ऐसे, ये खिल चुका है, थोड़ा सा ये बचा है, तो इसको आप हटा देंगे अभी, क्योंकि बहुत सारा बहुत फूल हमको चाहिए, अभी तो बिल्कुल विंटर की शुरुआत हो रही है। तो ये सब हटाते रहिएगा, आपका प्लांट भी बुशी होगा। अच्छा, और ये गुलाब तो थे मेरे पास बहुत सारे पहले से ही थे, पर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। रेड कलर का भी मेरे पास था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। और प्लांट का जो ये है ना, मतलब हेल्दी प्लांट लग रहा था, इसकी हेल्थ देख के तब मैंने लिया। ये देखिए जैसे कि अब ये यहाँ पे भी देखिए बड़ आ रही है, ठीक है। ये देखिए इधर भी आ रही है, और ये भी नई ब्रांच निकल रही है, इधर से भी फूल आएगा, ये नई है बिल्कुल। तो और काफ़ी अच्छा प्लांट था, तो ये 60 में मिला है, ये 60 में मिला है। और ये पॉट है, ये प्लास्टिक वाला हैंग वाला है, ये देखिए ऐसे है। देखिए इसी में मैंने रखा था, यहीं पे काट काट के सब। तो ये है 90 का है, ये 90 रुपये का है। और एक मैंने ये लिया है पॉइनसेटिया, पॉइनसेटिया मैंने तुरंत ले लिया, क्योंकि आपको बताऊँ इसकी पत्तियाँ देखिए, अभी अभी तो ग्रीन है, रेड होंगी ये देखिए रेड होंगी। लेकिन इसके बारे में आपको मैं कुछ टिप्स देती हूँ। देखिए ये गमले में नहीं लगा है, मुझे ये सस्ता मिला, बहुत पॉइनसेटिया कभी सस्ता नहीं मिलता है, ज़्यादातर ये 200 से के आसपास ही रहता है, 150-200 से कम का नहीं मिलता है। गमले में नहीं था, पॉली बैग में था, और ये मुझे मिला है आपको बताऊँ 60 में, 60 रुपये में मिला है। तो ये हमने लिया है, और क्योंकि मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों लोग गए थे लेने, उन्होंने भी बहुत सारा लिया। तो देखिए मैं बताऊँ, इसको जब भी आप रिपोर्ट करिएगा, इसके रूट बॉल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करिएगा, जैसे है ये, जिस तरीके से ये है
मिट्टी कोई ऐसा वो नहीं रहता है, मिट्टी का सिर्फ वही रहता है, एक वन पार्ट आपने मिट्टी ले ली, वन पार्ट सैंड ले लिया, वन पार्ट आपने खाद ले लिया, वो तो है। इसको कुछ भी इधर उधर मत करिएगा, बस ऐसे कैसे ये निकाल करके, ऐसा नहीं कि पन्नी की सही थी रख दिया, पॉलीथीन को निकालने के बाद रखने की बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ये इसको डिस्टर्ब मत करिएगा, नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी जो है वो शॉक में आ जाता है ये। और जैसे कि बाकी प्लांट्स हैं, इनको तो हम अगर अभी नई भी लगा रहे हैं गमले में तो ये चल जाएंगे, इनको हम धूप में रख सकते हैं, बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना होगा कि मिट्टी बहुत सूखे नहीं। इनके साथ यही है, थोड़ा सा जैसे ये मिट्टी सूख रही है, टाइम जब जैसे लगाना है तब आप लगाइएगा, धूप में हम रख सकते हैं, पर इसको नहीं। अब इसको वहाँ अंदर तो मैं नहीं रखूँगी जहाँ अभी तक ये सब रखा था। ये देखिए, इसको ले जाती हूँ मैं, ग्राउंड फ्लोर पे ही रख दूँगी, और इसको धूप में नहीं रखना है, ठीक है। इसका पूरा मैं वीडियो आपको ठीक से बना के बताऊँगी, और आप मुझे बताना कि मैं इनमें से आपको कौन सा वीडियो पहले बना के बताऊँ, ये आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको बोल रही थी ना, मैं यहाँ पे मैं रखती हूँ ये सारी चीज़ें, जो कटिंग वटिंग या जो चीज़, ये देखिए इसने तो सकुलेंट तक को नहीं छोड़ा, ये देख रहे हैं, ये देखिए, पता नहीं ये सकुलेंट की पत्ती तक को खा गया है। अब इसको भी मैं नीचे ले जाके रखती हूँ, तो या फिर आप मुझे ये बता दीजिएगा कि मैं इसका गुलाब की, देसी गुलाब की प्रूनिंग का, कटिंग का आपको वीडियो बनाऊँ। ये देखिए, ये प्रूनिंग की थी, प्रूनिंग के बाद किस टाइम है ये, ये देखिए सब लग गई है बिल्कुल अच्छे से। उसके पहले मैं आपको, देखिए कल मैंने जब वीडियो बनाया था ना इसका, चींटियों के लिए बनाया था, आप इस समय देखिए यहाँ पे एकदम चींटी वींटी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन ये है ना, देखते रहना होगा, ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं क्या पता कहीं रह गई हो, तो देखते रहना पड़ता है, नहीं फिर से वैसे ही कर लेंगे 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा, ठीक है। तो इस समय तो फिलहाल नहीं है, और आप मुझे जो भी बोलना फिर मैं वही वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा ये देखिए, ये भी देख रहे हैं ना, ये भी मेरा उसी का ही है, ये कटिंग वाले ही हैं सारे गुलाब मेरे, ये सब कटिंग के ही हैं, ये सब, ये भी कटिंग का है, ये भी कटिंग का है। और ये देखिए, क्योंकि मैंने जो है प्रूनिंग अपने गुलाब में कर रखी है, ये सब मैंने प्रूनिंग की हुई, यहाँ सब देख रहे हैं सब फैला हुआ है, अभी सब साफ ऑफ करना है फिर से, तो ये सब मैंने प्रूनिंग तो कर दी है। और ये देखिए, और सब में नई नई पत्तियाँ भी आ रही हैं, तो आप बता दीजिएगा कि मुझे कौन सा फिर मैं क्या वीडियो बनाऊँ, ठीक है। नहीं तो वो जो नया वाला मैं लेके आई हूँ गुलाब, ये देखिए, ये नरगिस का मैंने यहाँ पे बल्ब लगाया था, अभी वीडियो बनाया नहीं है, आप बोलोगे तो फिर बना दूँगी। ये देखिए, ये 5 बल्ब्स मैंने खरीदे थे, आपको वीडियो बना के बताया भी था, ये देखिए ये लग गए सारे के सारे, लग गए पाँचों के पाँचों लग गए, ये 1, 2 एंड 3, और इधर ये है 4, और इधर ये बहुत छोटी सी पत्ती है इसकी, ये देखिए ये है, अभी छोटी सी निकल रही है ये। और इसके पहले भी जो मैं सीडलिंग लाई थी ना, ये देखिए डैंथस की, ये भी बताया मैंने कि वो एक कोई जानवर है वो खा गया पूरी ऊपर से सारी पत्तियाँ, इसको अब मैंने धूप में रख दिया। ये देखिए सैलरी की भी यही हालत हुई, तो बाकी ये वाला तो लग गया है, इसको तो बाहर ही पहले ही रख दिया था मैंने। चलिए, और ना ये देखिए दोस्तों, सेम भी जो है मैंने बीज लगाए थे, ये देखिए पॉली बैग में ये लगाए थे, ये देखिए ये भी लग गई है, सीड इसके लगाए थे। तो चलिए दोस्तों, फिर बताइएगा कि मैं ये नया वाला फिर या तो रिपोर्ट करके आपको उसका वीडियो बना के बताऊँ। इसके गमले को बिल्कुल साफ रखिए, नहीं यहाँ पे ना देख रहे हैं सूखी पत्तियाँ जो पड़ी हुई थी, वो फंगस तुरंत लगती है इसमें, इसकी रूट में, तो जो भी इसकी सूख रही है, और ये तो शक्कर दिख रहा है मुझे, देखना पड़ेगा। ये देखिए अभी बस जस्ट मुझे देखा, देखती हूँ इसको, शक्कर ही है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये हाइब्रिड, अरे रुक जाइए थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये है ना, ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से ये ब्रांच ये निकल रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, इसको तो अभी के अभी हटा देती हूँ, क्यों मैं छोड़ूँ इसको, अब यहाँ पे कुछ लगा देती हूँ नीचे से लाके, देखती हूँ हल्दी वल्दी होती है तो वही लगाती हूँ, और तो कुछ लगाती भी नहीं हूँ मैं वैसे भी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।